मनुख ते परमात्मा दे विचकार जो पाल है, जो दीवार है, वो झूठ दी है, वो कूड़ दी है। उस कूड़ दी दीवार नू किवें तोड़िए, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़ है टुटे पाल। मनुख दी मंजिल सच है, मनुख दी चाहत सच है, मनुख दे प्राणा दी प्यास सच है, मनुख दा भविष्य सच है। और अगर भविष्य सच ही है, प्राणा दी चाहत भी सच है, तां बाधा की है, फिर रोक की है। रोक है कूड़, रोक है झूठ। चाहत सच दी है तो फिर झूठ रोक किस तरह हो गई, कूड़ बाधा किस तरह बन गया। दरअसल चाहत सच दी जरूर है, पर कशिश झूठ दी भी है। प्राणा दे च प्यास सच दी जरूर है, पर असर कूड़ दा भी है। इसे नू कहिंदन के मनुख दुबदा दे च जीवंदा है, सच दी चाहत दे च जीवंदा है, कूड़ दी कशिश दे च जीवंदा है, सच दी प्यास दे च जीवंदा है, झूठ दे असर दे च जीवंदा है। जीवन दो पासे हर वक्त रागब होंदा है। इंज समझो, एक पैर अग्गे रखिया, एक कदम पिछे रखिया, मनुख उत्थे दा उत्थे ही रहा। प्राणा विच सच दी प्यास ने अग्गे जान ते मजबूर कीता, कूड़ दे असर ने फिर पिछे खिचिया। सच दी तड़प अग्गे लै गई, कूड़ दी कशिश पिछे लै गई। निरंकार दा रस अग्गे लै गया, संसार दा रस पिछे लै गया। आत्मा दे रस ने अग्गे जान ते मजबूर कीता, शरीर दे रस ने पिछे खिच के सुट दिता। इस तरह मनुख दी जिंदगी दुबदा दे च बतीत होंदी है। दुबदा दा मतलब दो पासे दी धावना, दो पासे दी भटकना। तो मंजिल मनुख दी सच है, पहुंचना मनुख ने सच तक है, बाधा कूड़ है। इस कूड़ दी पाल नू, इस कूड़ दी कंध नू किवें तोड़िए, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। समुची मनुखी जिंदगी दा ए अहम प्रश्न है, सब तो पहला प्रश्न है, जिसनू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी द्वारा खड़ा कर दे। समुची मनुखता दा जद ए सवाल है, तो जवाब भी कोई अजीम चिंतक ही दे सकता है। इसका जवाब भी कोई ओ दे सकता है, जो झूठ दे असर तो बच के सच तक पहुंचे आवे। इहदा सही मायने दे जवाब भी ओ दे सकता है, जो शरीर दे तल तो उच्चा उठ के जमीर दे तल ते पहुंचे आवे। तो सवाल ते बहुत वड्डा है, किवें सचियार होइए, क्योंकि परमात्मा जे सच है तो सच विच सचियार ही लीन हो सकता है, कुड़ियार लीन नहीं हो सकता। क्यों? कि एक रब्बी नियम है, सजाती मेल हो सकता है, विजाती मेल नहीं होगा। रोशनी विच रोशनी समा सकती है, पर रोशनी ते अंधकार दा कोई मेल नहीं है। सुगंधी विच होर सुगंधी मिलाई जा सकती है, पर सुगंध ते दुर्गंध दा कोई मेल नहीं है। दुध विच होर दुध मिलाया जा सकता है, पर दुध ते शराब दा कोई मेल नहीं, क्योंकि दोवें विजाति ने। शराब ते दुध दोवें विजाति ने। तो सच ते कूड़ दोवें विजाति ने। सच विच सचियार ही लीन हो सकता है, कुड़ियार नहीं।
सिर्फ मनुख ने सचियार होना है, ते सचियार होंदिया ही प्रतीत हो जाता है कि मैं सच तक पहुंच गया, मैं मंजिल नू छू ले, सच दा मिलन हो गया। सच दा मिलन परम विश्राम दा मिलन, सच दा मिलन परम आनंद दा मिलन, सच दा मिलन जीवन दे मूल दा मिलन, सच दा मिलन खुशियां दा मिलन, सच दा मिलन जिस विच जन्म नहीं जिस विच मरण नहीं, और सच दा मिलन प्रकाश दा मिलन है, सच दा मिलन खेड़ियां दा मिलन है। कूड़ दुख है, कूड़ कलेश है, कूड़ विपता है, कूड़ केवल कल्पना मात्र है, कूड़ स्वप्न है, सच हकीकत है, सच वास्तविक है, कूड़ ते केवल स्वप्न है। लेकिन सपने दी अपनी महानता है, सपना भी मनुख दे ते अपना असर छोड़ता है। इस वास्ते कोई वास्तविक जीवन बतीत करता है, कोई स्वप्न जीवन बतीत करता है, कोई हकीकत दे च जीवंदा है, कोई सुपनियां दी दुनिया च ख्वाब दी दुनिया च जीवंदा है। ख्वाब चाहे है उसकी अपनी हस्ती है, फिर भी कूड़ है, फिर भी झूठ है। तो ख्वाबां दे च जीण वाला झूठा ही है, ख्वाबां दे च जीण वाला मिथ्या जिंदगी बतीत करता है। तो सचियार होना है ताही सच दा मिलन नसीब हो सकता है। तो सतगुरु फरमान कर देने क्यों सचियारा होइए, किवें सचियार बनिया, क्यों कूड़े टुटे पाल, झूठ दी पाल किवें टुटे। उत्तर, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना, हुक्म दी रजा विच चलना, हुक्म दी प्रसन्नता विच चलना, हुक्म नू मन के चलना, किड़े हुक्म नू मन के चलना, किस हुक्म दी रजा विच चलना जो नाल लिखिया होया है। नियम प्रभु दा मनुख दे नाल लिखिया होया है। ज्यादा बोलेगा मन खिंड जाएगा, ज्यादा खावेगा रोगी हो जाएगा, ज्यादा सोचेगा दिमाग ते बोझ पै जाएगा, ज्यादा फिक्रमंद और चिंतावां दे जीवेगा तवाजन खो बैठेगा। ये ते असी रोज वेखदे हां। दुख की है नियम दी उलंघना, हुक्म दी उलंघना, सुख की है हुक्म दी पालना करना, नियम दी पालना करना। दुख परमात्मा दी तरफों कोई दित्ती हुई करोपी नहीं, सजा नहीं, बल्कि खुद नियम दी उलंघना करन दा फल है। इस वास्ते परमात्मा ते दयालु है, कोई जालम ही सजा दे सकदा है, कोई कठोर ही सजा दे सकदा है। चित कठोर कीते बिना किसे नूं सजा नहीं दित्ती जा सकती, किसे नूं दुख नहीं दित्ता जा सकदा। जद कोई दुख भोगदा है, दुख भोगण दी जिम्मेवारी उसकी स्वयं दी है, उसकी अपनी है। दुख का मतलब नियम की उलंघना, दुख का मतलब हुक्म की उलंघना। जिथे कोई शरीरक पीड़ा का जन्म हो गया है, मानसिक पीड़ा का जन्म हो गया है, समझ लो उत्थे हुक्म की उलंघना हो गई है। और मनुख हुक्म की उलंघना कर सकता है, इस तरह की खुल परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखी है। अगर इतनी खुल भी नहीं दिती तो सिर्फ मजबूरी हुक्म मनना ही है, तो हुक्म नूं मन के ही जीवना है, तो फिर उपदेश संदेश देने की भी कोई लोड़ नहीं कि ऐ बंदे तू प्रभु का हुक्म मन, उसके हुक्म विच जी, उसकी रजा विच जी। अगर रजा तो उल्ट मनुख जी ही नहीं सकता, तो रजा विच चलन का उपदेश बेमैने। हुक्म नूं मनुख रद्द ही नहीं कर सकता, तो हुक्म विच चलन का उपदेश की मैंने रखता है। और यही मनुख की महानता है कि हुक्म की पालना भी कर सकता है, हुक्म की उलंघना भी कर सकता है, रजा विच भी राजी रह सकता है, रजा तो उल्ट भी चल सकता है।
रजा दे चलन नाल मनुख नु सुख मिलता है और प्रभु दी यही रजा है कि जीव सुख भोगन, जीव आनंद माणन, जीव प्रसन्न रहन, जीव खिड़े रहन। पर जे हुण नियम दी उलंघना कीती है ये प्रभु दी रजा नहीं है, ये उसकी चाहत नहीं है, लेकिन उसने खुल दिती है ये भी उसकी दया है, ये भी उसकी बख्शिश है, ये भी उसकी रहमत है। जैसे नियम दी उलंघना होई वैसे दुखां दा जन्म हो गया। जैसे मनुख अख बंद करके भी चल सकता है, अखां खोल के भी चल सकता है, पर अख बंद करके चलेगा ठोकर खा जाएगा, गिरेगा, चोटां लगनगियां, और जब चोटां लगन जख्म पहुंचन ते गिला करे प्रभु ते मैं ठोकर खा गया, तो प्रभु ऐसा कह सकता है तो नियम दी उलंघना की थी, अख खोल के चलना सी, वेख के चलना सी। साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा बड़ा सुंदर एक वाक है कि कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगण करे काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए परे। मनुख दे हाथ दे च बुद्धि दा दीपक प्रभु ने पकड़ा दिता है, तू इस रोशनी विच अपना जीवन बतीत कर। पर जे हुण मनुख अख बंद करके चले, इस रोशनी नू वेखे ही ना, ठोकर खा जाए, गिर जाए, ये जिम्मेवारी प्रभु दे नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, आपे दोष न देई करता जम कर मुगल पठाया। करते पुरख ते कोई दोष नहीं आऊंगा, प्रभु ते कोई दोष नहीं आऊंगा। जीव जद नियम दी उलंघना करता है तो दुख भोगण दे कोई ना कोई कारण वसीले पैदा ही हो जाते हैं, मनुख नू दुखी होना ही पैदा है, मनुख नू विपता सहेड़नी पैंदी है। तो सुख प्रभु दी रजा है, प्रभु दी चाहत है, प्रभु दी मंग है, प्रभु ये चाहुंदा है जीव सुखी रहे। पर रजा तो मनुख उल्ट चलिया, हुक्म तो मनुख उल्ट चलिया, नियम दी उलंघना की थी तो सिवाय दुख तो और कुछ नहीं है। असी देखते हैं कि सड़क ते चलन वालियां वास्ते बकायदा ट्रैफिक नियम, रस्ते दे चलन दे नियम निर्धारित किए गए, वो मैं जिस वास्ते किए गए ने कि टकराव ना होवे, किधरे खामा खाई किसी की जान ना चली जाए। और कोई मनुख ए आखे और दावे नाल आखे कि मैं चलना ते सड़क ते है, नियम दी पालना नहीं करनी, मैं ट्रैफिक रूल दी पाबंदी नहीं रखनी, गिरेगा, चोट खाएगा, वो जिम्मेवारी गिरण वाले दी है, नियम ते बन चुके हैं। तो प्रभु ने भी संसार विच जीवन नू चलाण दे नियम बना रखे, नियम की ने वो धर्म ग्रंथां दी बाणी, ये प्रभु दे नियम ने। महापुरुषां दे उपदेश ये अकाल पुरख दे नियम ने, वो गाहे बगाहे दसदे रहिंदे ने, जिंदगी दे नियम ए, जीवन दे नियम ए ने। और जिथे नियम दी उलंघना कीती सवाए दुख तो होर कुछ नहीं होगा, सवाए विपता तो होर कुछ नहीं होगा। उसे नियम नू गुरु नानक देव जी महाराज हुक्म कहंदे ने, ए बंदे उसका ए हुक्म तेरे नाल लिखे, तू अखां दा गलत इस्तेमाल करेगा और ज्यादा इस्तेमाल करेगा अखां रोगी होंगी, तू जबान विच मिथ्या वाक रखेगा रसना मैली हो जाएगी, तू किसे वास्ते मुश्किलां पैदा करेगा स्वयं मुश्किलां दे जिंदगी बतीत करनी पड़ेगी। ये प्रभु ने इस ढंग का नियम बना रखे है, जैसे धरती नू एक बीज दे ही है, वो बीज अनंत गुणा होके वापस आउंदा है, अटल नियम है। बीज चाहे चंगा बोइए ते चाहे माड़ा बोइए, चाहे किसी जहरीले बूटे का बीज बोइए
ते चाहे किसे अमृत फल देने वाले फलदार दरख्त दा बीज बोई। एक बीज अनंत बीज होके प्रफुल्लित होंगे, बोया होया एक दाना अनंत दाने होके वापस आंदा है। हु बहु कर्म चाहे शुभ करिए चाहे अशुभ करिए ये अनंत गुणा होके वापस आंदा है। किसे नु सुख दिता है अनंत गुणा सुख वापस आंदा है। किसे नु हसाया है हसया नाल झोली भर जांदी है। किसे नु तू एक फुल भेट कीता है समुचे रस्ते दे फुल बिच जांदे ने। पर याद रख तू किसे दे रस्ते दे सिर्फ एक कंडा रखे है, जिंदगी दी हर राह कंडिया तो बिना होर कुछ नहीं मिलेगा। तू सिर्फ एक रोड़ा ही किसे दे रस्ते दे रखे है, उन जिधर जावेगा रोड़िया ते चलना पड़ेगा। इते दित्ता लईए अपना अण दित्ते किच हथ ना आवे। जमीन नू जो कुछ देईए वापस आंदा है, जगत नू जो कुछ देईए वापस आंदा है, अनंत गुणा होके वापस आंदा है। बस ए नियम है।